चंचल लोखंडे, आप देख रहे हैं वीडियो प्रोग्रामिंग चैनल। देश विदेश की ताजा खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा के लिए बीजेपी जेडीयू का सीट फॉर्मूला हुआ तय, अब दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ईडी ने वाड्रा को घेरा, 9 घंटे तक की गई पूछताछ। बदायूं में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी भीषण आग, मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 पहुंची। कैटरीना कैफ को देखकर बेहोश हो गए आमिर खान, थग्स ऑफ हिंदुस्तान का दूसरा गाना भी हुआ रिलीज। सबसे पहले बिहार की खबर, जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे का मसला सुलझ गया है। शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा में सूबे की बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। इसी मामले की ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर शुभम सिंह के पास। बीजेपी और जेडीयू के बीच में हुई सहमति के दौरान अब ये निर्णय लिया गया है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बीच में ये निर्णय की बात हुई है कि आने वाली लोकसभा की सीटों के में सभी सूबे के चुनाव में दोनों में बंटवारे का हिस्सा हो चुका है और इस चुनाव में कौन लड़ेगा, चुनाव में किसको सीट मिलेगी, इसकी घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। घूसकांड से शुरू हुई सीबीआई की जंग अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है। मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी गिरफ्तारी दी। वाड्रा को ईडी ने फिर घेरा। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से दूसरे दिन 9 घंटे तक पूछताछ की। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदने में धन शोधन किया। इसी मामले की ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर माधुरी के पास। हाँ माधुरी, बताइए आपके पास इस मामले में क्या जानकारी है। हाँ चल, जैसे कि हम जानते हैं कि लगातार 2 दिनों से रॉबर्ट वाड्रा से ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है। कल गुरुवार को भी लगातार 9 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई। इस बारे में और ज्यादा अच्छे से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील मिस्टर भोंगे। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जैसे जो पूछताछ हो रही है ईडी द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ईडी द्वारा जो रॉबर्ट वाड्रा जी की पूछताछ हो रही है, इसकी स्थिति जैसी है कि एकदम आरंभिक पूछताछ है। ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के कुछ ईमेल उनको मिले हैं और उसके आधार पर क्या लंदन में उनकी कोई बेनामी प्रॉपर्टी है क्या नहीं, इसके बारे में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 तारीख तक रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो बिना अरेस्ट किए कोऑपरेशन के साथ जितनी पूछताछ हो सकती है उतनी ईडी कर सकती है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर भोंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। मैं माधुरी कुरजेकर, कैमरामैन स्नेहित चौरिया के साथ वीपी टीवी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन और रूस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर होने वाली बातचीत सुनते हैं। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में बात कही है कि अखबार ने अमेरिका की मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के नाम का खुलासा किए बगैर कहा चीन के जासूस अक्सर फोन पर होने वाली इन बातचीत को सुनते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को आयोजित की गई। भाजपा हराओ देश बचाओ में रैली में विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। भाजपा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हालांकि इस रैली से खुद को किनारे कर लिया। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ क्या कर रहे हो? सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मगर घर में तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। जलेबी?
आपने? अनोखी शुद्धता, अनोखा असर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर का सिलसिला जारी है। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर में अभियान तेज कर दिया है, जहां के सोपोर में आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की खबर सामने आई है। जिले के सिविल लाइंस इलाके में पटाखा फैक्ट्री में अचानक भीषण विस्फोट हुआ। रिपोर्टों में इस हादसे में 8 लोगों की मारे जाने की खबर है। विस्फोट इतना भीषण था कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। इसी मामले की ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर मनीषा के पास। जी मनीषा, बताइए इस मामले में आपके पास क्या जानकारी है? उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट इतना भीषण था कि इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी। बताया जा रहा है कि दिवाली के लिए इस फैक्ट्री में बम बनाए पटाखे बनाने का काम जारी था। इस दौरान यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 8 लोग मारे गए हैं और 3 से ज़्यादा लोग घायल हैं। कैमरा पर्सन स्नेहिल के साथ में मनीषा, वीपी टीवी न्यूज़। पुणे सेशंस कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी अरुण फेरेरा, वर्नॉन गोंजाल्वेस और सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों आरोपी नजरबंद है, जो आज खत्म होने वाली थी। अब पुणे की सत्र अदालत के फैसले के बाद तीनों आरोपियों की हिरासत बढ़ा दी गई है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर गुरुवार को वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष YS जगनमोहन रेड्डी पर हमला हुआ, तो एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। जिस वक्त जगनमोहन पर यह हमला हुआ, उसके कुछ देर बाद ही टीम इंडिया को भी इसी एयरपोर्ट से पुणे के लिए रवाना होना था। इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हो गई है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। वेस्टइंडीज के कोच स्टुअर्ट लॉ खुश है कि उनके बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को उनके बॉलिंग अप में बदलाव कराने के लिए मजबूर कर दिया है। लॉ ने कहा कि वनडे के बाद ही भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को अंतिम 3 वनडे के लिए टीम में शामिल करना पड़ा। इसी के साथ ही समाचार समाप्त होते हैं। देखते रहिए वीडियो प्रोग्रामिंग न्यूज़।